हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम करेंगे इस जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके उसका लास्ट वीडियो होगा ये अपने सॉल्यूशंस का। अभी तक हमने सारे वीडियोस का मतलब सारे वीडियोस के अंदर हमने सारे के सारे सॉल्यूशंस तैयार कर लिए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, 10th क्लास के। तो अगर आपको ये कैसे लगे, आपको अच्छे लगे बुरे लगे, आप सब कुछ हमें बताइए। अगर आपको अच्छे लगते तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, डिसलाइक कीजिए, ठीक है, और लेकिन बताइए ज़रूर। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भाई बहन है उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ये रहा, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। देखो इसको समझते हैं क्या है इसके अंदर। यहाँ पे देखो ऐसा बोला गया, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, एक बैग है इसके अंदर क्या है, 5 रेड बॉल्स है, ठीक है, और इसके अंदर सम ब्लू बॉल्स है। देखो सम ब्लू बॉल्स है तो हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, x ब्लू बॉल्स, ये हमने लेट कर लिया, ये अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप की सिचुएशन इस क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो भाई यहाँ से ये हो गया, तो आप बता सकते हो टोटल कितनी बॉल्स होगी, टोटल बॉल्स कितनी होगी यहाँ पे, 5 और ये x, 5 प्लस एक्स। इस बैग के अंदर कितनी बॉल्स होगी टोटल, 5 प्लस एक्स, उसमें से 5 तो रेड है और x क्या है, ब्लू है इसके अंदर। तो हम सारी चीज़ें उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपको देखो पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले के नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 5 प्लस एक्स, तो इसके नीचे भी आ जाएगा और 5 प्लस एक्स इसके नीचे भी आ जाएगा, जो कि थोड़ी देर में कट जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ब्लू के फेवरेबल, तो ब्लू की कितनी बॉल्स है वो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि सारी की सारी बॉल्स ब्लू को ही फेवर करेगी। रेड को कितनी फेवर करेगी, 5 बॉल्स, ठीक है। तो ये अपनी बन गई इक्वेशंस, ये ब्लू की प्रोबेबिलिटी और रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई। यहाँ पर 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना बचा, 2 इंटू 5, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। मतलब जो ब्लू बॉल्स है वो कितनी होगी, टोटल 10 बॉल्स होगी, ठीक है। अब इसके अंदर बस यही पूछा गया था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, वो हमने पता कर ही लिया कितनी आ गई, 10 बॉल्स आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो तीनों क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, वो तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, बोला है कि ए बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन को भी इसी टाइप से डायग्राम बनाते चलो, एक एक इस टाइप से होता है ना, एक ब्रांचेस बनाते चलो हर चीज की। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर वैसे दो क्वेश्चन पूछे गए, अभी पहला क्वेश्चन वाले सारे डेटा लिखता हूं मैं। बोला है कि ए बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स, एक बॉक्स है उसके अंदर कितनी बॉल्स है, 12 बॉल्स है, इसमें से कुछ कुछ कितनी, x, x कितनी है, x क्या है, ब्लैक बॉल्स है। तो बच कितनी गई, 12 में से x वो है, तो यहां कितनी बच गई, 12 माइनस एक्स अदर बॉल हो गई, अदर्स हो गई, ठीक है, ये अदर बॉल हो गई, वो x ब्लैक बॉल्स हो गई। तो बोला है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू, सॉरी, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल पूछा गया है, तो नीचे कितना आता है आपको पता ही, नीचे आते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी है उस बैग, इस बॉक्स के अंदर 12 है, फिर ब्लैक है तो ब्लैक को फेवर करने वाली कितनी, यहाँ पे ब्लैक बॉल्स कितनी है, x है, तो कितना आ गया, x बाय 12, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा।
इसमें बोला है कि 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 बॉल्स और हमने इसके अंदर डाल दी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ वॉट इट वॉज बिफोर। तो देखो सिचुएशन समझना अच्छे से, ये पहले का बॉक्स था, ये क्या था बिफोर, और ये हम बना लेते हैं आफ्टर। इसमें क्या है, जो ब्लैक बॉल्स है वो पहले कितनी थी, यहां पर कितनी थी एक्स, और अदर्स कितनी बॉल्स थी यहां पे 12 माइनस एक्स, तो टोटल कितनी हो गई, यहां पर टोटल होगी 12 बॉल्स, टोटल पहले कितनी थी 12 बॉल्स। अब इसके बाद में क्या हुआ, हमने 6 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दिया, प्लस 6 ब्लैक बॉल्स और इसके अंदर मिला दी, तो आप बताइए कि ब्लैक बॉल्स अब कितनी हो जाएगी, ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएगी, पहले x थी अब 6 और आ गई तो कितनी होगी x प्लस 6, क्लियर है ना ये। अच्छा अदर्स, देखो अदर बॉल तो हमने डाली नहीं है, तो 12 माइनस एक्स की जगह 12 माइनस एक्स ही रहेगा, 12 माइनस एक्स। अब आप एक चीज बताइए, टोटल कितनी बॉल्स होगी, अब टोटल बॉल्स कितनी होगी, या तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, या फिर चाहो तो इस 12 में, देखो टोटल में भी ये 6 बॉल डालेंगे तो इस टोटल के अंदर भी तो बढ़ जाएगी ना, ठीक है 12 की बजाय 18 हो जाएगी, या फिर चाहो तो इनको आप ऐड कर दो, तो x से x कट गया, 6 प्लस 12 कितना हो गया 18 हो गया, इस बार टोटल बॉल्स कितनी होगी 18, या तो 12 में 6 बढ़ा दो या फिर इन दोनों केसेस को अभी आप ऐड करके देख लीजिए। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि ऐसा करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल हो गई, अब इस बार डबल होगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ ब्लैक, इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है नाउ जो ब्लैक, ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी डबल होगी, किससे, जब पहले जितनी बॉल थी उससे, पहले जितनी प्रोबेबिलिटी थी उससे, ब्लैक बिफोर, समझ में आया, अभी जो ब्लैक बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पहले जितनी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी थी उसकी डबल हो गई, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ब्लैक बॉल निकालने की पहले प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ब्लैक बॉल कितनी है x, x अपॉन 12 इक्वल टू, इधर का क्या सीन है, यहाँ पे नाउ ब्लैक, तो वही न्यूमरेटर कितना आएगा, अब ब्लैक कितनी यहाँ पर x प्लस 6 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा टोटल, अभी का टोटल देखना हमें, ठीक है इसके इधर का अलग है इसके उधर का अलग है, तो ये आ गया 18, अभी टोटल कितनी अपनी 18 बॉल्स हो गई है। अब देखो भाई इसको सोल्व करना है और आंसर अपने आप आ जाएगा, हमें पता करना है x की वैल्यू पता करनी है, तो अगले पेज में मैं इधर ही करके बता देते हैं इसको। इन दोनों को कट करेंगे 6 से, तो 6 2 जा और 6 3 जा, तो अभी तक क्या बचा, अच्छा ये जो 2 है नीचे वाला, ये 2 इस ऊपर वाले 2 को कट कर देगा, तो फाइनली कितना बचा, LHS में ओनली क्या बचा x, RHS में क्या बचा x प्लस 6 अपॉन 3, x प्लस 6 अपॉन 3 बच गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, 3x हो गया, इधर हो गया x प्लस 6, ये x इधर है इसको इधर ले आते हैं हम, तो 3x माइनस x कितना बच जाएगा 2x, इधर आके माइनस हो जाएगा ना ये 6, ये 2 6 को काट देगा, तो x इक्वल टू 2 उसको कितनी बार काटेगा 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इस टाइप से करना आपको ये दोनों क्वेश्चंस, फर्स्ट पार्ट तो आसान था, दूसरे पार्ट में थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया, तो आपको बेसिक फंडे पर रहना है, इक्वेशन बनाता तो हम बहुत पहले से जानते हैं 9th क्लास से, और अभी का क्या सीन है, क्या प्रोबेबिलिटी, इसमें बस ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नया लग गया, ठीक है अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, इस बुक का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखो क्या बोला गया है, ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू, ठीक है तो हम वही काम करेंगे, ग्रीन को एक्स मान लेंगे और ब्लूज को वाई मान लेंगे। इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। ठीक है कर लेते हैं अभी पता, एक जार है, इसके अंदर 24 मार्बल्स है, टोटल कितने मार्बल्स है 24, इसके दो कैटेगरी हो गई, एक कलर तो क्या है ग्रीन और एक क्या है ब्लू,
एक काम करते हैं, इसको ग्रीन को एक्स मान लेते हैं और जो ब्लू है उनकी पॉपुलेशन को वाई मान लेते हैं। ग्रीन की कितनी है, एक्स मार्बल्स है और यहाँ पे वाई मार्बल्स है, ठीक है। तो अब एक चीज यहां से एक चीज तो क्लियर कर लेना, देयर फोर एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम वापस 24 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24, ये आपको याद रखना है, मतलब यहां से पता चली जाएगा। अब बोला है कि जो ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वो है यहां पे 2/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, 2/3, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन चीज है उसको तो छेड़ेंगे नहीं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है जैसा हमने यहाँ पे माना है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल के रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के लिए नीचे तो आपको पता है कि नीचे हमेशा क्या आता है, टोटल, टोटल कितने मार्बल्स है 24, तो 24 आ गए। अब उनमें से ग्रीन कितने मार्बल्स है, हमने कितने माने एक्स, तो वो एक्स ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 2/3। इसको सोल्व कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3 इसके पास आ गया तो 3x हो गया, ये 24 उसके पास चला गया तो कितना हो गया 24 × 2 हो गया। ये देखो भाई, ये जो 3 है इस 24 को कट करेगा, आप पहले भी कट कर सकते थे, अभी कर लेते हैं, 3 × 8 = 24 हो गया, ठीक है। तो 8 टाइम्स कट का हो गया, तो x इक्वल टू कितना आया, 8 × 2 = 16, ठीक है, 8 × 2 = 16 आ गया। x मतलब क्या, ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, ये ग्रीन है, ग्रीन मार्बल्स हमें कितने मिल गए 16। हमें पता क्या करना है, हमें ब्लू मार्बल्स पता करना है, मतलब हमें y पता करना है। यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है x प्लस y इक्वल टू 24, ये x की वैल्यू जो 16 निकाली वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस y इक्वल टू 24, ये 16 उधर जाके माइनस कर देगा उसका, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 − 16, y इक्वल टू 8 आ गया। ये आ गया नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, ठीक है। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं कुछ और नया कुछ लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और भी कुछ, कोई कई सारी चीजें होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि और हम क्या क्या ला सकते हैं आपके लिए, ठीक है, किस किस टाइप की चीजें ला सकते हैं जिसमें आपको ना, जिसकी मदद से आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ, ठीक है, हर वो चीज़ आपको दी जाएगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले कुछ वीडियोज़ के अंदर, थैंक यू वेरी मच।